जिला अध्यक्ष सर बीजेपी के, अनाम कालिया, अनाम कालिया, अनाम कालिया, अनाम कालिया, अनाम कालिया। वेलकम सर। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हमारा भी
पीएम से और हमारा पीएम से और आप लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ हमारा नगरादा का डेवलपमेंट की। एजुकेशन सेक्टर में मेरा यहाँ किया हुआ हायर सेकेंडरी जो है तीन जो है एकदम सब कंडीशन देखने लायक है। आप अभी आपको हम थोड़ा बाद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हम उसको आपको दिखाएंगे। ये जो है हमारा टाउन बासा टाउन का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी अगर इस कंडीशन पे है तो दो जो बाकी सातपुर पे है सातपुर का हायर सेकेंडरी किस प्रकार होगा आप बाद में देख के आपको आप पता चल जाएगा। टाउन का इस थोड़ा सा आपका ऊपर प्रस्ताव रखा है कि इसको एक हमारा PMKSY इसमें एक हम लोग का मॉडल स्कूल के लिए पार्टिसिपेट करोगे। एक बार में मैं आपका ऊपर इसको हमारा आपको पहले मैंने इसको सबमिट किया था एक लेटर और अभी भी हमारा डिपार्टमेंट का ओर से आपको सबमिट किया इसको काइंडली आप जैसे भी आप पास ये में रख के तो ये में रख के आप उतर दीजिएगा। ये मेरा आपको हमारा नपारादा पे पास यूनियन मिनिस्टर खुदम रखा है आपने और हमारा नपारादा भी समझ जाएंगे। जितना यहाँ पे मैंने दिया है इसको आप 100% कराने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। और कवाली बामे रोड जो है अभी तक डिफेंस टू लेन डिफेंस रोड के चल रहा है तो इसको हम लोग को नेशनल हाईवे कितना कर दीजिएगा। इस बार मैंने इसको इसका चर्चा हुआ था मैंने चर्चा किया था तो हम लोग इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारा सीएम को दिया और सीएम साहब ने शायद हमारा गडकरी साहब जी को दिया होगा। वहाँ दूसरा सर हमारा जो रास्ता जो है अभी जो जैसे इस स्कूल बिल्डिंग या सभी बिल्डिंग लोग 1972 का बनाया हुआ तो वो तो अभी थोड़ा सा खराब हो सकता तो इसलिए हमारा यहाँ जितना भी डेवलपमेंट है नया दौर का नया तरीका से आज का देख का तरीका से हम उसको नया डेवलपमेंट जरूरी होगा सर। इसके लिए हमारा नपारादा में धनराशि का सर बहुत ही जरूरी होगा तो आप जितना सके हम उसको आप वहाँ जा देंगे नपारादा को जरूर याद कीजिएगा। और सर हमारा यहाँ ऐसा है कि PWD से हम उसका यहाँ और भी रोड कंस्ट्रक्शन करना बहुत जरूरी है और गांव गांव में सर पहुँचना है ये जो उनका रोड का डिलीवरी गाँव गाँव पहुँचने के लिए तो RWD डिपार्टमेंट से PMGSY तो सर हम लोग का इधर PMGSY को इस बार हम लोग PMGSY और ट्री में हम लोग बहुत ही तकलीफ मिला था क्योंकि PMGSY और ट्री में आखिर देशों में बोल रहे तो हम लोग का इधर कभी कभार उधर गाँव में तब नहीं पहुँचते था कोई और उसमें जो एक उसमें बहुत सा जैसे उसमें 200-300 ऐसे करके पॉपुलेशन होना चाहिए तो वहाँ पहुँचना है लेकिन पॉपुलेशन इतना नहीं पहुँच पाने का कारण से एक जो है दारू तो जी में वो आप उसको नोट कीजिएगा उसको इस बार थोड़ा प्लीज आप। और एक है हमारा यहाँ सर पागुदीसी रोड भी ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गया क्योंकि हम लोग का यहाँ मानसून सीजन में बहुत ही ज़्यादा बारिश है और प्लस गिरता है बारिश तो ज़्यादा होता है तो उसका बाद बाहर होने का कारण से जितना हम रोड कंस्ट्रक्शन करने से भी लैंडस्लाइड का कारण से हमको बहुत प्रॉब्लम मिलता है तो इसका कारण से हम लोग का यहाँ जितना रोड बनाने से भी थोड़ा दिखता भी नहीं है। और कभी कभार हम लोग का यहाँ क्या होता है कि बाहर होने का कारण जैसे आपने पास आज हमको एक टेंट रोड का सेक्शन किया वो मतलब आपका नीचे पे अगर आपका बिहार पे या आसाम पे 10 करोड़ से अमाउंट बहुत ज़्यादा रोड हम लोग बना सकते लेकिन हमारा यहाँ पहाड़ का कारण 10 करोड़ रोड से वहाँ से कम से 60% ही बना पाता तो इसका कारण से आप थोड़ा धनराशि जो है हम लोग को थोड़ा एक्सटेंड करके थोड़ा ज़्यादा देने के लिए कोशिश की यही है। और थैंक यू सर थैंक यू। आज एक समीक्षा बैठक में उपस्थित जिला के तमाम पदाधिकारीगण आदरणीय विधायक जी नया जिला बना है परेशानियां तो थोड़ी हो रही है लेकिन हम सब लोगों की मेहनत स्टेट गवर्नमेंट प्लस
आदरणीय मोदी जी का सहयोग, रिज्जू साहब का सहयोग, सहानुभूति इस जिला को मिलनी चाहिए, तभी हम जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने जितना विषय पे चर्चा करवाया है, सब मुकुल जी ने नोट किया है, प्रस्ताव बना के उसमें क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं, एक सुझाव रूप में टीमों हम लोग भेजेंगे। और इन्होंने मैडम ने जो पत्र दिया है उस विभाग से रिलेटेड हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे एनएच का मामला चल रहा है तो अच्छा रहेगा, एनएच अगर इस जिला को जोड़ लेता है तो बेस्ट होगा, उसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी की जरूरत पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी की जरूरत पड़ती है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। और मुझे कहने में कहीं शंका नहीं है कि आपका जिला या आपका प्रदेश प्राकृतिक से सजा हुआ प्रदेश है, जिधर देखिए उधर हरा भरा नजर आता है, हरियाली है, लोग यहाँ के काफी ईमानदार हैं, अपने प्रदेश के प्रति काफी मजबूती से लगने वाले लोग हैं, समर्पित लोग हैं। आपने जितना सुझाव दिया है या मुझे लगा है, मैं उसको नोट कर रहा हूं, और अगली बार से जो भी बहुत रोल डायरेक्ट भारत सरकार के नहीं होती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी पर डिपेंड करता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर सुझाव देता है कि मेरे यहां 50-100 घरों की आबादी है तो इसको पीएमजीएसवाई में लिया जाए, विशेष ढंग से कुछ ऐसे प्रदेश है जैसे आपका है, हिमाचल है, ऐसे प्रदेशों के लिए विशेष व्यवस्था बन सकती है, तभी जाके प्रदेश में काम हो सकता है। आदरणीय मोदी जी का लक्ष्य है कि हर गांव में अच्छी सड़क हो, हर व्यक्ति का अपना मकान हो, हर घर में गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली हो, बिजली से खेतों में पानी निकाला जाए, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, आत्मनिर्भर हर व्यक्ति कैसे बने। लखपति दीदी एक नया योजना लॉन्च किया गया है, हर व्यक्ति का आय कैसे ग्रोथ करें, इस लक्ष्य में जब तक प्रदेश सहयोग नहीं करेगा, जब तक डिस्ट्रिक्ट जिला सहयोग नहीं करेगा, तब तक जाके शब्द साकार नहीं हो पाएगा। और कल भी आपने योजना लॉन्च किया गया है, देखे हैं कि 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं उसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस से कोई कागजात की जरूरत, बस आईडी चाहिए कि हाँ आप भारतीय हैं, दूसरा कि आप कितना आपका इनकम है उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत उपयोगी योजना है, बहुत ऐसा परिवार मिलेगा, घर मिलेगा, हर माँ बाप चाहता है कि मुझसे बेहतर मेरा बेटा बेटी करे, बहुत तो जाके विदेश में बस जाता है, नीचे अपने माँ बाप को नहीं देख पाता, वैसे परिवार को देखने के लिए आदरणीय मोदी जी ने दृढ़ संकल्पित है कि पैसा का अभाव में कोई व्यक्ति मेरे यहां परेशान नहीं हो, उसके लिए आदरणीय मोदी जी तैयार हैं। हम सब लोगों को मोदी जी के कदम पे कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार रहना है और रह भी रहे हैं हम लोग। और जितना आपने प्रधानमंत्री जी का द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया गया है, बहुत अच्छा आपने किया है, क्योंकि
बहुत दिन पहले आपका डिस्ट्रिक्ट बटा भी नहीं, मात्र 6 साल पहले आपका डिस्ट्रिक्ट बटा है। और 6 साल के बच्चे से आप उम्मीद नहीं करते हैं कि बहुत बड़ा काम कर सकता है, लेकिन मेहनत हम सब लोगों को करना पड़ेगा। और हमसे जितनी विधायक जी यहाँ तमाम पदाधिकारी लोग हैं बैठे हैं, जितनी हमसे हो सकती है अच्छा रिपोर्ट बनाएंगे और कैसे इस जिला को शमूलियत मिले, इस प्रदेश को शमूलियत मिले, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ कहीं 500,000 घर का गांव नहीं मिलेगा, विलेज नहीं मिलेगा, तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। स्कूल बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्कूल का छत बहुत जरूरी है, इस सब बिंदु पे हम लोगों को काम करना है और बेहतर से बेहतर सुझाव देंगे। आप वेलकम है, आप विधायक जी यहाँ चाहे जो भी लोग दिल्ली आता है आप आ सकते हैं। हम भारत के एक छोटे लोग हैं, हमारा सटा हुआ इलाका नेपाल है, मैं चंपारण से आता हूँ जहां से गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किया था, और बापू को कर्म भूमि वहीं से माना जाता है जहां से उन्होंने सत्याग्रह नीलों को भगाने के लिए प्रयास किया था। तो मन में एक इच्छा शक्ति है कि देश के कोना कोना सदे, इसके लिए आदरणीय मोदी जी रात दिन अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग को भी रात दिन काम करनी चाहिए। और आपका आवास है, आप जब इच्छा करे तो आइए। हाँ, बात करके अगर सेशन चलता है तो हम रहते हैं, सेशन नहीं चलता है तो थोड़ा सा हम लोग भी पार्टी की जिम्मेवारी है, पहले हम विधायक रहे हैं उसके बाद लोकसभा रहे हैं तब आज राज्यसभा दूसरा बार आए हैं, लगातार कम उम्र से ही विधायक रूप में 3 बार विधायक बने हम, एक बार लोकसभा बने फिर दूसरा बार राज्यसभा है, तो एज पब्लिक की जिम्मेवारी मुझे भी रहती है, थोड़ा भी समय बचता है तो अपने लोगों के बीच में हम चले जाते हैं। तो टाइम से बात करके आइएगा, मुकुल जी का नंबर ले दिया, हरिदेश जी का नंबर ले लीजिए, मेरा भी नंबर आप ले सकते हैं, बात करके आइएगा, जितना हमसे बन सकता है निश्चित रूप से हम करेंगे, क्योंकि भविष्य में यहाँ आना पड़े तो मुझे भी लगे कि हम अपने जीवन में यहाँ के लिए भी कुछ किए हैं। इसी शब्दों से के साथ आप सब लोगों के जीवन में बेहतर हो मेरी शुभकामना है, कि आप अपने जीवन में जिस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रहे हैं उस माँ शक्ति ने आपको, आप निरंतर आगे बढ़े। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत